पहचाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के इंडिया The land of over a billion people and more than a million trucks. More than a million trucks, yet no two will ever look the same. All thanks to a skilled few who believe that art doesn't always live on a canvas hung on the walls in a gallery. Sometimes it's out there right in front of you. Because of people like Ashraf, the third generation of a family of truck artisans. नाम मोहम्मद अशरफ है उदयपुर का रहने वाला हूँ पापा ने एक कलम दिया जी जब भी देखी कि मुझे मेरे से लिखो पर गाड़ियों के पीछे हॉर्न की जगह था कैसे लिखते हैं ऐसे सीखो एक छत हमने हाथ जमाया उधर साल पर तक ऐसे करे फिर ऐसे नंबर प्लेटें लिखते रहे उनमें 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं उससे हम ज़्यादा लालच बनता गया और काम ज़्यादा उसमें शौक बढ़ता गया माझं नाव विलास कालुराम भोईर माझं शिक्षण एमकॉम आहे एमकॉम एमकॉम फर्स्ट पार्ट आहे अच्छा हां ये ना लाईनमध्ये यायचं कारण म्हणजे कसं काय माझ्याकडे कला होती त्याची पहिल्यापासून मी चित्र वगैरे काढायचं ते शाळेमध्ये नंबर यायचे हां अशा वेळी विचार केला म्हटलं आपण चला आता की नाही नोकरी भेटत तेवढं शिक्षण करून तर म्हटलं हे करूया पेंटिंगचं आपलं येतं म्हणून त्याच्यामध्ये मी इंटरेस्ट घेतला शाळांचे नंबर लिहायचे बोर्ड लिहायचे माणसं पण मला धंदा लाईनमध्ये सपोर्ट करायला लागले तिकडे पैसे यायला लागले मालवण याच्यामध्ये रमलो मी मदत करायला लागले चांगली रायटिंग करते तू पेंटर बनू शकतो धंद्यामध्ये उतर बरोबर साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है यूं ही मेरा नाम संतोष शाह है तीन पारा हूँ और अच्छे अच्छी चीज़ बनाओ कि हमको भी लोग देख के और बोले कि हाँ कुछ गाड़ी बनाए एक हमको ये शौक है इसके लिए हम कभी 700 देते कभी 500 देते अब इसके 700 मांगो तो 500 देते ये इनके कमजोर कम है ना ये कम देते हैं उधर ये पूरे काम के 500 रुपये हाँ अल्लाह का करम है कि दिन की 3 गाड़ी लिख लेते हैं लिखने का राइटिंग का जो राइटिंग का हाँ जो नाम भी मेरा था ना उसके लिए तो एक ट्रक के लिए उसका भी समझ लीजिए 2500 रुपये 700-800 रुपये मिला एक ट्रक के लिए 700-800 रुपये में तुम्हें संपूर्ण ट्रक लिखा आणि 3 तास आता आम्ही लवकर एका दिवसात किती ट्रक लिहू शकता तुम्ही मी 3 ट्रक लिहू शकतो एका दिवसात 3 ट्रक एकटा 10,000 रुपये हम लोग गाड़ी लेते हैं फुल गाड़ी लेंगे 10,000 में उसमें अपने को 5,000 बचेगा ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही गाड़ी लिहिलं असते मैं बहुत खूबसूरत हूँ मुझे नजर ना लगाना जिंदगी भर साथ दूंगी मगर पी करना चाहिए मैं तुलसी तरांगन की है रोज जेव्हा ट्रॅव्हल चढतो गाडीमध्ये तेव्हा ड्रायव्हर मला सांगतो पहिले राम बोलो फिर दरवाजा खोलो मेरी चलती है तेरी क्यों चलती है तुम्हें बता मैं तो ताज में निला के देख नहीं तो आप एक दो कोट भी और ताज में निलता देख ड्राइवर ने खूब जोखिम रस्ते किया है डायलॉग वजह से लिहून आता So the paint is also in a larger term, if you take paint is narrate, to describe, to explain more effectively. Truck painters are also doing something called lettering. You know, that school is more of drawing and painting. Yeah, means either it's coming from traditionally, their father is doing it, they have seen it and they are doing it. It came to them via practice. So we also call it a school. There is nothing wrong because the messages are also what they are writing is the same either horn okay please or the gas
or the gas tank, or right from that gas tank, wherever the letter happens, you know, or All India permit and all. What happens when such kind of things grows? What happens? They are considered as one kind of a style. It's like specialized skills which they are selling it off. They are good in drawing lotus flower very quickly. It all starts with lotus flower and curve lines and all that, yeah, and the vignettes, and from dark to light, it's their speciality, it's their technique. I'm connecting this point is to flat brush mannerism. They will able to draw any script which comes in their way. Basically, if I have to tell you in one word what truck painters are doing as far as letters are concerned, that they are doing lettering. But when you do lettering, it is expected that you are drawing letter. Lettering, letter drawing, they have to have overlaps. Yeah, they have to have overlaps. They paint. That's why the lettering school really is existing because of them, I will say. At the most, they go italic, you see, or at the most, they have a little bit of a Indian style touch to Roman letters, which touches my heart. Mostly when they say All India permit. You know, they use a brush with Indian style, and there is a point to it, which is not serif, non-sans serif. It is not a serif category, not non-serif category, yeah, according to the conventions. But it's a serif. It's an Indian serif. मैं बगैर कंप्यूटर के बना के दिखा दूँगा ट्रक पे कलर करते थे तो केबिन के ऊपर पट्टे बना देते हैं तो पहले मैं बनाता था तो आजकल क्या धीरे धीरे वो ही बंद करके भैया बनाता है वो फर्क पड़ला पहिल्यांदा जेवढे माझे कस्टमर यायचे तर तेवढा कॉम्प्युटरची जे एडीएम कटिंग नव्हती आणि फ्लॅक्स वगैरे नव्हतं 10 वर्षापूर्वी ये जो आर्टिस्ट का काम ये सब टोटल कॉम्प्युटराइज मोडमध्ये चला गया ये इसमें नहीं इसलिए पेंटर कोई काम नहीं सीखता पैसा पा होता है ये कंप्यूटराइज का काम करने लगे मशीनें जिसके पास पैसा हो मशीनें लगा लगा के बैठ गए मशीनों में सर कभी स्कूल छोड़ के अभी थोड़ी बहुत हेल्प है वहाँ सीख हाँ हाँ ये इसको पढ़ाई में है इसका मन अभी पढ़ाई में छुट्टियों में पापा की तरह जैसे ही मदद करा रहा हूँ फिलहाल तो अभी मैं 10th क्लास की परीक्षा दी आगे छुट्टियों के बाद 11वीं पढ़ेंगे तो अभी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और आगे पढ़ाई करते रहेंगे कॉमर्स में तो बैंकिंग करना अच्छा 10 वर्षापूर्वी मी माझ्या सुद्धा प्रयत्न करून माझ्या नॉलेजनुसार मी एक्सपर्ट आलो आता माझी मुलं जी बरोबर बोलत होती गॉड गिफ्ट आहे ही देणगी ते दैवी देणगी तर त्या मुलाला पहिल्यांदा अगोदर मी ते शिक्षण तर देणार त्याने हे कोर्स वगैरे केले जे जे स्कूल ऑफ आर्ट चित्र काढणं या त्याने झोकाल तर मला झोकून द्यायला असं वाटतं नाही Nothing dies in a way, yeah. It remains in a different form, but it remains. So it has now in a different form, and it's good news that it's because of the technology. It's open for public, for the entire world if they want to use it. कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के. It's not the colors or the philosophical couplets. It's not even the lotus flowers or the rainbow of motifs. There is more to a truck than meets the eye, thanks to a hand-picked few thousands who will surely take this art ahead and beyond everything. After all, the journey of art never stops. Life goes on, and art simply follows suit.